की गैबत के सिलसिले में जैसा कि आप सबको इल्म है, दो दौर हैं गैबत के, एक है गैबत सुगरा और एक है गैबत कुबरा। ये तो गैबत सुगरा वाला दौर है, इसमें इमाम के चार नायबीन खास थे जो इमाम से राबते में रहा करते थे और जो भी लोगों के पैगामात होते थे वो इमाम तक पहुंचाते थे, या जो इमाम का पैगाम होता था वो लोगों तक पहुँचाते थे। और इन चार नायबीन ख़ास के अलावा भी कुछ ख़ास घर के अफराद थे, कुछ और असहाब थे कि जिनसे इमाम मुलाकात करते थे इस गैबत सुगरा के ज़माने में। लेकिन जब गैबत कुबरा का दौर शुरू हुआ तो इस गैबत कुबरा में जाने से पहले इमाम ने सबको आगाह और ख़बरदार कर दिया था कि देखो अब मुझसे कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा और जो भी मेरी मुलाकात का दावा करे वो झूठा है, उसको तुम झुठलाना कि ये झूठ बोल रहा है। इस गैबत के ज़माने में इमाम से मुलाकात नहीं हो सकती। अब यहाँ के ऊपर एक गलतफहमी ना हो कि अब ये जो बहुत से हालात और वाकयात मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के सिलसिले में मिलते हैं, फिर उन वाकयात का क्या है? अगर जो भी इमाम ज़माना से मुलाकात करने वाले हैं वो सब गलत हैं और झूठे हैं, तो फिर किताबों में तो बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि फ़लाने इमाम की ज़्यारत की और फ़लाने इमाम से मुलाकात की और फ़लाने इमाम से मुलाकात की, फिर उनका क्या? तो इस सिलसिले में आप तवज्जो फरमाइए कि देखिए, अगर कोई ये कहता है गैबत के ज़माने में कि मेरा इमाम से राबता है और मैं जब चाहूँ इमाम की खिदमत में चला जाऊँ, जब चाहूँ इमाम को बुलवा लूँ, तो ये शख्स झूठा है।
कोई भी इंसान अपने इरादे और इख्तियार से इमाम से मिल नहीं सकता है। हाँ, इमाम अपने इरादे और इख्तियार से सबसे मिल सकते हैं। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही वजह है कि बाज़ अफराद चिल्ला भी नहीं खींचते, 40 मंगल को न सहला जाते हैं न जमकरान जाते हैं, फिर भी उनको ज़ियारत हो जाती है। बाज़ ऐसे हैं जो 40-40 मंगल हो गए, जमकरान गए, सहला गए, फिर भी ज़ियारत नहीं हुई। तो इंसान अपने इरादे और इख्तियार से मौला की ज़ियारत नहीं कर सकता। हाँ, मौला अपने इरादे और इख्तियार से जिससे चाहे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़ियारत उसको करवा सकते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि देखो, इस गैबत के ज़माने में जो भी मुझसे मुलाकात का दावा करे, मुझसे राबिते का दावा करे, वो झूठा है। फिर अब यहीं के ऊपर सवाल ये आता है कि मौला, जब आपसे मुलाकात होगी नहीं तो आपके शियों का क्या होगा? इनको कहाँ से मसाइल मालूम होंगे? इनको कहाँ से, कैसे इनको रास्ता मिलेगा? कैसे इनकी हिदायत होगी? उसी के लिए इमाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, व अमल हवा बिसुलवाकिया फर्जऊ इला रवाते अहादीस, कि देखो, जब भी कोई तुम्हारे सामने वाकया पेश आए, दीनी दुनियावी कोई भी मसला तुम्हारे सामने आए, तो तुम उस मौके के ऊपर हमारी रवायतों के बयान करने वाले फुकहा की तरफ रुजू करना। ये मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है और मैं अल्लाह की तरफ से इन पर हुज्जत हूँ। एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इन्हीं के सिलसिले में हमारे 11वें इमाम ने इनकी शनाख्त और पहचान बताई। अब जाहिर सी बात है कि इमाम ने तो खाली फुकहा कहा है कि जो भी हमारी रवायतों के बयान करने वाले फुकहा हों, तो रवायतों के बयान करने वाले फुकहा तो बहुत हैं, और हो सकता है कोई इंसान अपने आप में ऐसी फ़कीह बन गया हो या फ़कीह का दावा कर दिया हो उसने, और फ़कीह ना हो, और हैं ऐसे और गुजरे हैं ऐसे कि जो फ़कीह तो नहीं थे, फ़कीह का दावा कर दिया। तो कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए, इसके लिए 11वें इमाम ने एक मेयार बताया है। इमाम ने कुछ शर्तें बताई हैं कि देखो, जो इस मेयार पर पूरा उतरे हमारा फकीह, हमारा आलिम, वो उसे मानना, सबकी बात नहीं। और इमाम ने फरमाया, हुआ मन काना मिनल फुकहाए साइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुखालिफ़न लिहवा मुतीअन लिअम्र मौला फलिल अवाम अन युक़लिदू। देखो, हर फकीह काबिल तकलीद नहीं है। मन काना मिनल फुकहाए साइनन लिनफ्से, हमारे फकीहों में से ही, यानी सबसे पहली शर्त यह कि फकीह शिया हो। हमारा फकीह का मतलब यानी हमारा मानने वाला, हमारा शिया हो। लेकिन हमारे मानने वाले में भी हर फकीह नहीं। मन काना मिनल फुकहाए साइनन लिनफ्से, जो अपने नफ्स से की हिफाजत करने वाला हो, अपने नफ्स को बचाने वाला हो, किस चीज़ से? हराम से, गुनाह से, मासियत से। हाफिज़न लदीने, अपने दीन का मुहाफिज हो, डटा हुआ हो, हर चैलेंज का दुनिया में सामना करने के लिए तैयार हो, जहाँ से भी इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, शियत के ऊपर अटैक हो और वो वहाँ के ऊपर खड़ा हुआ हो उसके मुकाबला करने के लिए और दिफा करने के लिए। मन काना मिनल फुकहाए साइनन लिनफ्से हाफिज़न लदीने, अपने दीन का मुहाफिज हो, मुखालिफ़न लिहवा, ख्वाहिशात नफसानी से टकराने वाला और उनसे मुकाबला करने वाला हो, मुतीअन लिअम्र मौला, अपने इमाम का मुती और फरमाबरदार हो, ऐसे मुज्तहिद, ऐसे फकीह की तकलीद करना है। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस गैबत के ज़माने में ये जो तकरीबन 1250 से ज़्यादा का जो अरसा अब तक गैबत का गुजरा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शेख मुफीद और शेख सदूक से लेके और आज आगाए सिस्तानी और आगाए खामनई तक
एक शानदार सिलसिला है फुकहा का, जिन्होंने हर दौर में न सिर्फ ये के दीन की हिफाजत की और दीन को बचाया है, बल्कि बतौर अहसन इस पूरी उम्मत की क़यादत की है। और इस गैबत के ज़माने में ये जो यतीमान आले मोहम्मद हैं, इनकी सरपरस्ती की है, इनकी सरपरस्ती की है। जो शिया हैं गैबत के ज़माने में, इनको यतीम कहा गया है। इन शियों को जो गैबत के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको यतीम कहा गया। यतीम इस लिहाज से कि इनके सामने इनका बाप नहीं है, वो पर्दे में है, लहजा ये यतीम है। और यतीमों के सर पे हाथ रखने का बड़ा सवाब है। लिहाजा खुद इस सिलसिले में रवायतें और हदीसें भी हैं कि जो इस गैबत के ज़माने में हमारे यतीमों की हिदायत करते हैं, उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनकी उनको परवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। अगर आप देखें तो इन 1250 सालों में हकीकत में यही फुकहा और यही मराजे हैं कि जिन्होंने इन यतीमान आले मोहम्मद जो इस गैबत के ज़माने में है, यानी इमाम के शिया, इनकी सरपरस्ती की है, इनकी क़यादत की है, इनकी हिदायत का इंतज़ाम किया है। और अगर आप दुनिया के ऊपर नज़र करें तो दुनिया में आपको हर ज़माने में जितने भी फ़िरक़े और जितने भी मज़ाहिब इस्लाम में हैं, आपको बेचैनी नज़र आएगी, बेकरारी नज़र आएगी, मसाइल में उलझे हुए लोग नज़र आएंगे और उल्टे सीधे मसले, उल्टे सीधे फतवे सामने आएंगे, जो ख़ुद इस्लाम की और मुसलमानों की बदनामी का सबब बने हैं और बन रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौला इमाम ज़माना की इनायत है, ये उनका करम है कि इस गैबत के ज़माने में इन 1250 सालों में आप एक फतवा ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिस फतवे की वजह से इस्लाम या शियत को सर झुकाना पड़ा हो, बल्कि जो भी फतवा आया है उसने शियत का और इस्लाम का सर और बुलंद कर दिया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, मन कान मिन अल फुकहा साइन अल नफ्से हाफिज अल दीन मुखालिफ अल हवा मुतीअन ले अम्र मौला, तो ये जो हमारे उलमा हैं इनकी भी एक शानदार तारीख है। मैंने अर्ज़ किया कि शनाब शेख मुफीद और सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा और शेख सदूक से लेके और आज तक एक से एक फ़कीह इस सिलसिले में आपको मिलेंगे। बाकायदा तारीख़ उलमा या उलमा के हालात और वाक़ियात के कई कई जिल्दों में किताबें लिखी गई हैं, कई कई जिल्दों में किताबें आपको मिलेंगी, जिनमें इस गैबत के ज़माने में जो उलमा गुजरे हैं और जो उन्होंने खिदमतें की हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिस तरीके से उन्होंने शियत का दिफा किया है और जिस तरीके से इस उम्मत को की हिदायत की है और उसको इसकी क़यादत की है, इस सिलसिले में आपको कई कई जिल्दों में किताबें मिलेंगी। और आज जो मौजूदा हमारे मराजे हैं, जो मौजूदा उलमा हैं, हकीकत में ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जहाँ आज दूसरे भी, और हकीकत यही है कि ये जो यलगार है दुश्मन की, क्यों किसी दूसरे फ़िरक़े के उलमा या फुकहा या उनके मानने वालों की मुखालफत इतनी क्यों नहीं होती? आपने कहीं सुना कि आज किसी अमेरिका की तरफ से, इज़राइल की तरफ से, सऊदी की तरफ से बोरा मज़हब के जो है किसी उसकी मुखालफत भी हो, इस्माइली मज़हब के कायद की मुखालफत भी हो कि जो पेरिस में रहते हैं, या किसी और देवबंदी की मुखालफत भी हो और बरेलवी की मुखालफत भी हो और किसी की मुखालफत भी हो, ये शिया उलमा और शिया फुकाही की मुखालफत क्यों होती है? उनको मालूम है कि अगर हक बोलेगा तो शिया ही बोलेगा, और शिया के अलावा किसी के अंदर हक बोलने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है।
لہٰذا یہ چیز وہ محسوس کر چکے ہیں، اور اسی کو محسوس کرنے کی بنیاد پر یہ جتنی یلغار ہے یہ سب اسی بنیاد پر ہے۔ اب تقلید کی طرف سے لوگوں کو اور خصوص جوانوں اور نوجوانوں کو بدظن کرنا، بدگمان کرنا، مراجع کی طرف سے لوگوں کو بدظن کرنا اور بدگمان کرنا، علماء کی طرف سے لوگوں کو بدظن کرنا اور بدگمان کرنا، اس لیے کہ یہ جو بدگمانی ہوتی ہے آہستہ سے ایک کوئی سوالیہ نشان قائم کر کے ایک ذہن میں ڈال دیا، اور اب انسان جو ہے وہ سوچ رہا کہ واقعی کیا ایسا ہے، اور وہ بدگمان ہو جاتا ہے اپنے مراجع کی طرف سے، اپنے علماء کی طرف سے۔ اب ذرا سا جب حقیقت میں اس کی آنکھیں کھلتی، دیکھتا ہے، دنیا پہ نگاہ کرتا ہے، سچائی جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو ہم کو کچھ اور بتایا گیا ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے، سچائی تو کچھ اور ہے، ہمارے ان فقہا کے تو بڑے احسانات ہیں، ان علماء کے تو بڑے احسانات ہیں، اگر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو کیا غلط فتویٰ دیا، اگر انہوں نے یہ بات کہی تو کیا غلط بات کہی ہے، اگر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کیا غلط مسئلہ بیان کیا، تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بصیرت کا مطالبہ کیا گیا ہے، غور اور فکر کا مطالبہ کیا گیا ہے، سوچ اور سمجھ کر آگے پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، صرف سر نیچے کر کے اور بس بھیڑ بکریوں کی طریقے سے کسی کی بھی بات مان لو اور بس چلتے رہو، نہیں، یہ شیعہ مذہب نہیں ہے، یہ دوسرے اسلامی فرقوں میں تو ہے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں شیعوں کو باقاعدہ خود اماموں کی طرف سے بھی اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو، سمجھو، گہرائی میں جاؤ، سوال اٹھاؤ، سوال قائم کرو، جواب لو، پوچھو، معلوم کرو، شک میں نہ رہو، یقین میں زندگی گزارو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو معصومین علیہ السلام کی حدیثوں مل جائیں گی اور قرآن میں مل جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، یقیناً آج شب جمعہ ہے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور روایتوں کے لحاظ سے مولا امام زمانہ جب شب جمعہ آتی ہے تو کربلا میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ کربلا دین کی بقا کا نام ہے، اور امام عالی مقام آنے کے بعد اسی جو کربلا کی جو تحریک تھی، کربلا کا جو پیغام تھا، اسی کو عام کریں گے، اسی کو عام کریں گے، اور حقیقی اور واقعی منتقی میں خون حسین خود امام زمانہ ہے۔ اگرچہ جناب مختار نے بدلہ لیا لیکن وہ بدلہ بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو وہ ہوگا کہ جو جناب جو امام زمانہ لیں گے آنے کے بعد، حقیقی بدلہ تو وہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں اِنَّ الطَّالِبَ بِدَمِ الْمَقْتُولِ کَرْبَلَا، کہاں ہو کربلا والوں کے خون نہ حق بدلہ لینے والے۔ اور واقعی کس طریقے سے کربلا کی سرزمین کے اوپر ان علی و فاطمہ کی اولاد کا خون بہایا گیا ہے، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، اور اس 3 دن کی بھوک اور پیاس میں امام لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کی میت، کبھی مسلم کا جنازہ، کبھی جون کی میت، اور جب تمام اصحاب اور انصار شہید ہو گئے، امام کے گود کے بالوں کی باری آئی، امام نے کبھی اون محمد جیسے بھانجوں کو میدان میں بھیجا، کبھی قاسم کی پامال میت پر گئے، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کبھی علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، اور جب کوئی نہ رہا تو میدان میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے پیشے شجاعت کے شیروں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں حسین آواز دے رہا ہے اور تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، شہداء کے لاشے تڑپ اٹھے، آواز آئی آقا موت سے مجبور ہوں، ورنہ آپ کے اوپر جان قربان کرنے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اگر 70 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے، آپ کی محبت میں پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے، رات کو بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کے اوپر جان قربان کر دینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون،
بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها معبود شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں معبود ہماری غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرما معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل غار اور نیست و نابود فرما بار الہ جو مومنین مریض ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما ابھی نماز مغربین سے 10 منٹ پہلے نجف اشرف سے خبر آئی کہ ہمارے عاشق بھائی روجانی عاشق بھائی پالیتانہ والے عاشق بھائی مرغی ان کو اٹیک آیا اور نجف اشرف میں ان کا انتقال ہو گیا ہے لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عاشق بھائی روجانی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما